बार में मेरा लड़का बीमार था तो ये काकू वाले से उधर मेरी मौसी लगती है वो लेके आई थी हमारे को यहीं पे। क्या क्या था आपके घर पे? मेरे पर किसी ने जादू टोना किया था, बहुत तकड़ी प्रॉब्लम थी मेरे को। चर्च में आकर जादू टोना निकल गया? हाँ, मेरा लड़का बहुत बीमार रहता था, परिवार में मेरा घर वाला दारू पीता था, कुछ हाल नहीं, मेरे एक टाइम का खाना भी नहीं बनता था, इतनी बड़ी दुखी थे हम लोग। अभी मेरे को परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया, ट्रैक्टर दे दिया, बहू बहुत अच्छी दे दी, घर में कोठी भी डाल ली, सब कुछ अच्छा है, सबका धन्यवाद करती हूँ। तो चर्च में आने से पहले गरीबी थी? चर्च में आने के पहले कुछ नहीं था, गरीबी थी? हाँ, गरीबी बहुत थी। कुछ नहीं था का मतलब कोठी नहीं थी? कोठी नहीं थी, कच्चे मकान थे, वो भी छत चोते थे। अच्छा, मतलब जब बरसात आती थी तो ऊपर से छत से पानी नीचे टपकता था। मेरे घर वाला भी दारू पीता था। अपना ट्रैक्टर लिया? हाँ, ट्रैक्टर अपना ले लिया। ओके, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। इसलिए तो जो लोग चर्च में नहीं आते वो कहते हैं जो चर्च में जाते हैं उन्हें क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, वहां धर्म बदलने के पैसे मिल जाते हैं। ये नहीं कि प्रभु की आशीष आ जाती है। जब हम इनके घर गए थे, देखा हुआ मैंने इनका घर, तो जैसे बता रहे हैं पानी बरसात आती थी तो ऊपर से पानी गिरता था, इतना बुरा हाल था। घर वाला दारू पीता था, लड़ाई झगड़ा, बीमारी, लड़का इनका वो इतना बीमार था, बुरा हाल था, इसको इसके ऊपर जादू टोना कर रखा था, बहुत बुरी हाल थी। चर्च में आए पर विश्व मसीह ने इन्हें चंगा किया, हर प्रकार के आशीष दी है। हालेलुया, हालेलुया।